अक्षय कुमार की फिल्म सम्राट पृथ्वीराज लंबे इंतजार के बाद सिनेमाघरों में रिलीज हो गई है, मगर टिकट खिड़की पर फिल्म उम्मीद के मुताबिक परफॉर्म नहीं कर पा रही। इस फिल्म ने 10 करोड़ 70 लाख रुपए की ओपनिंग ली। फिल्म ने शुरुआती 3 दिनों में 39 करोड़ 40 लाख रुपए कमाए, जो कि 300 करोड़ रुपए के बजट में बनी फिल्म के लिहाज से बहुत कम है। सोमवार से फिल्मों की कमाई में डिप देखने को मिलती है। सम्राट पृथ्वीराज के साथ भी यही हुआ। मंडे को फिल्म ने सिर्फ 5 करोड़ रुपए कमाए, यानी 4 दिनों में अक्षय की इस फिल्म ने 44 करोड़ रुपए का बिजनेस किया। सम्राट पृथ्वीराज बिग बजट पीरियड फिल्म थी, स्टार कास्ट भी तगड़ी थी। अक्षय कुमार के साथ मानुषी छिल्लर, संजय दत्त, सोनू सूद जैसे एक्टर्स ने इस फिल्म में काम किया, मगर फिल्म की कम कमाई पर अब चंद बरदाई का रोल करने वाले सोनू सूद ने बात की है। सोनू ने हालिया इंटरव्यू में फिल्म की कमजोर कमाई के लिए पैंडेमिक को दोष दिया है। हिंदुस्तान टाइम्स को दिए एक इंटरव्यू में सोनू ने कहा, ये बेहद खास फिल्म है, मुझे एक कमाल का किरदार निभाने का मौका मिला और लोग उसे बहुत प्यार दे रहे हैं, मैं इसके लिए जनता का शुक्रगुजार हूँ। फिल्म ने उम्मीद के मुताबिक बिजनेस नहीं किया, मगर हमें ये स्वीकार करना होगा कि पैंडेमिक के बाद चीज़ें काफ़ी बदल गई हैं। बावजूद इसके मैं ये कहना चाहता हूँ कि लोग इस फिल्म को जितना प्यार दे रहे हैं उससे मैं बहुत खुश हूँ। यशराज प्रोडक्शंस के तले बनी इस फिल्म को चंद्र प्रकाश द्विवेदी ने डायरेक्ट किया है। चंद्र प्रकाश द्विवेदी को चाणक्य टीवी सीरियल और मोहल्ला 80 जैसी फिल्मों के लिए जाना जाता है। चंद्र प्रकाश इस फिल्म के लिए पिछले 18 सालों से रिसर्च कर रहे थे। साल 2019 में अक्षय कुमार को लीड रोल में लेकर इस फिल्म की घोषणा की गई। 3 सालों के लंबे इंतजार के बाद 3 जून 2022 को सिनेमाघरों में ये फिल्म रिलीज हुई। इस फिल्म से मिस वर्ल्ड रही मानुषी छिल्लर ने अपना एक्टिंग करियर शुरू किया। फिल्म में उन्होंने पृथ्वीराज की पत्नी संयोगिता का रोल किया है। पहले इस फिल्म का नाम पृथ्वीराज था, मगर विवादों के बाद इसे बदलकर सम्राट पृथ्वीराज कर दिया गया। अक्षय कुमार इससे पहले बच्चन पांडे नाम की फिल्म में नजर आए थे, जो कि द कश्मीर फाइल्स के सामने रिलीज हुई और बुरी तरह से फ्लॉप साबित हुई। आने वाले दिनों में अक्षय मिशन सिंड्रेला, राम सेतु, रक्षाबंधन और ओ माई गॉड 2 जैसी फिल्मों में दिखाई देने वाले हैं। आपके लिए खबर लिखी थी हमारे साथी श्वेतांक ने, मैं हूँ हर्षदा, देखते रहिए लल्लन टॉप सिनेमा। शुक्रिया दी लल्लन टॉप, मतलब आपकी खबरें पढ़ने का एक्सपीरियंस बदलने वाली वेबसाइट। यूट्यूब और फेसबुक पर भौंका हल्का हटने के बाद अब बारी है ऐप की, लल्लन टॉप ऐप, जो लॉन्च होते ही कुछ ही घंटों में बन गया था नंबर 1। प्ले स्टोर से एंड्रॉयड ऐप इंस्टॉल कीजिए और जुड़े रहिए लल्लन टॉप खबरों से। अब एक ही जगह पर मिलेंगे पॉलिटिकल किस्से, लल्लन टॉप शो, चुनावी कवरेज, पड़ताल और आसान भाषा में। पाइए लल्लन टॉप की वीडियो सबसे पहले फेसबुक और यूट्यूब से भी पहले। खबरें और वीडियो का आपको मिलेगा नोटिफिकेशन। बड़ी खबर हो या फिर हो किस्से, सब आपके फेवरेट सेक्शन आपको है बताने। इतना ही नहीं, क्रिकेट मैच का स्कोर और इलाके में मौसम का जोर भी जानिए। आज ही गूगल प्ले स्टोर पर जाइए और दी लल्लन टॉप ऐप इंस्टॉल कीजिए।